मैं पहले गई मुंडका थाने में रात को, 11 तारीख की रात को। उन्होंने कहा कि आप जाओ क्या कहते हैं कंजावला थाने में, आपका वहाँ का केस बनता है, आप वहाँ जाओ उस पुलिस के पास। 20-22 दिन 24 दिन हो चुके हैं, पुलिस कोई इनकी मदद नहीं करी है बिल्कुल भी। ये पुलिस के पास जाते हैं, हमारे को एक नंबर दिया गया मुंडका SHO का, ना तो वो फ़ोन उठा रहे हैं, ना DCP फ़ोन उठा रहे हैं, ना वहाँ पे कोई कौन है वो PRO है कौन अंकल वो लेडीज़ हैं जो, ना वो फ़ोन उठा रही है, यानी कि इनकी कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ जी सर, क्या हुआ बोलिए, आप तो कल बोल रहे थे कि मैं अभी आ रहा हूँ, आप अभी तक नहीं आए। अरे मैडम कल बारिश नहीं हुई थी और भी काम भी होते मेरे पास, कल मैं कंप्लेंट हुआ था आपके उसको पेश करने गया था। कल तो कोई भी बारिश नहीं हो रही थी, कहाँ पे बारिश हो रही थी। नमस्कार, मैं शमी रंजन, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आप कल्पना कीजिए, अगर आपके घर में जो व्यक्ति है वो प्रतिदिन काम पर जाते हैं, मगर वो काम से घर सही समय पर अगर ना लौटे तो परिवार की स्थिति कैसे हो जाती है। ऐसे में ही मुंडका पर रेलवे कॉलोनी, मुंडका में रेलवे कॉलोनी पर एक हादसा सामने आया है। लगभग 24 दिन पहले एक व्यक्ति है अभिमन्यु नाम करके, वो जब घर से निकले वो प्रतिदिन शाम को अपने घर लौट जाते थे टाइम पर काम करके, मगर 11 जून की रात वो टाइम पर घर पर नहीं लौटे। उनकी माँ 20-25 दिनों से बेहद परेशान है, उनकी पत्नी है वो भी बहुत परेशान है। हम अभी इस वक्त उनके घर पर हैं और एक माँ से जानेंगे, पत्नी से जानेंगे कि आप कितने परेशान हैं और पुलिस वाले ने आपकी किस तरीके से सहायता की, सरकार ने आपकी क्या क्या मदद की। जी नमस्ते मैम। नमस्ते, आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम डिंपल देवी है। जी डिंपल जी, जो आपके बेटे हैं जी, एक बार पहले उनके काम के बारे में बताइए, वो क्या काम करते हैं। मेरा बेटा ट्रक चलाता है, घेबरा में कंपनी है, सुरेंद्र लागड़ा नाम के मालिक हैं, उनकी गाड़ी चलाता है। ठीक है, तो वो उस दिन 11 जून को वो झज्जर गया था, झज्जर से वो शाम को 7 बजे वो आ गया था कंपनी में। कंपनी में आने के बाद उसने गाड़ी खड़ी करके और वो घर के लिए निकला था। फिर मैंने उसको 8:30 बजे फ़ोन किया, मैं कहा बेटा कहाँ हो, तो बोला मैं आ रहा हूँ, मैं घर के लिए निकल चुका हूँ कंपनी में गाड़ी खड़ी करके। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ। उसके बाद फिर उसका किसी दोस्त ने उसको फ़ोन किया और बुलाया कि मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, मेरे से आजा मिल ले, बहुत दिन हो गया। तो वो घर ना आ करके उसके पास चला गया, उसके साथ वो 12-1 बजे तक उसके साथ था। और फिर वो दोस्त बोलता है कि मैं मन्नू को वहाँ छोड़ करके मैं चला गया, मुझे नहीं पता मन्नू कहाँ गया। मन्नू आप उनको घर पर बुलाती थी प्यार से जी? ऐसे उनका पूरा नाम क्या था? अभिमन्यु जी, अभिमन्यु है नाम उसका। अच्छा जी, तो एक बार बताइए, इससे पहले कभी अभिमन्यु जी ने ये हरकत की है? नहीं, कभी भी नहीं हरकत की है उसने। हमेशा जब मैं फ़ोन करती थी वो मेरा फ़ोन उठाता था, नहीं तो वो खुद कम से कम दिन में 3-4 बार वो फ़ोन करता था, हमारे लिए पूछता था, मेरे लिए पूछता था, मम्मी आपने खाना खाया? मैंने कहा हाँ। मैंने उसको कई बार फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा आपने खाना खाया? बोला हाँ खा लिया, मैं यहाँ पे हूँ इस जगह पे हूँ। उसने हर जगह का मेरे को नाम बताया, जहाँ जहाँ गाड़ी लेके गया उसने हर जगह का बताया। तो मैं कैसे, अभी सब बोल रहे हैं मुझे कि आपका बेटा कहीं चला गया, कहीं वो अपनी मर्जी से चला गया, तो मैं कैसे मान लूं कि वो अपनी मर्जी से चला गया। कोई फोटो है उनकी? हाँ जी फोटो है। एक बार आप अपने हाथ में वो फोटो ले लीजिए। मैम इस पर पुलिस आपकी किस तरीके से सहायता कर रही है, आपने कंप्लेन कब किया इसके बारे में बताइए। मैंने देखिए, मैंने 12 तारीख को कंप्लेन करने गई सुबह 8 बजे, मैं पहले गई मुंडका थाने में रात को, 11 तारीख की रात को। उन्होंने कहा कि आप जाओ क्या कहते हैं कंजावला थाने में, आपका वहाँ का केस बनता है, आप वहाँ जाओ उस पुलिस के पास। तो मैं वहाँ गई, लेकिन मैं रात को नहीं जा पाई, ज़्यादा रात हो गई, तो मैं सुबह 8 बजे गई। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे से फ़ोटो वोटो बनवाया, मेरे बेटे का, इसका बड़े फ़ोटो, 3 साइज के फ़ोटो बनवाए मेरे से, और कहा कि लिख के बताओ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, मैंने सब कुछ लिख के दिया। फिर उन्होंने शाम के 5 बजे मुझे बोलते हैं कि यहाँ पे आपका केस नहीं दर्ज होगा, आप जाओ मुंडका थाने। फिर मैं वहाँ से 5 बजे वापस फिर मुंडका थाने गई। फिर 6 बजे उन्होंने मेरी रिपोर्ट लिखी, वो भी मिसिंग की। 12 तारीख को आप जब रिपोर्ट लिखवाने के लिए गई, कंप्लेन दर्ज कराने गई, मगर ये कंप्लेन को उन्होंने FIR दर्ज की शाम को जी, 12 तारीख को। हाँ, FIR नहीं दर्ज की उन्होंने, मिसिंग करी, बस मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज की। फिर उन्होंने कहा ठीक है हम पता लगा रहे हैं,
उसके बाद उन्होंने ना मेरे को कभी फोन किया, ना मेरे से कभी पूछा कि आपका बच्चा कैसे गया, नहीं गया, कुछ नहीं पूछा उन्होंने। बल्कि हम ही उनको फोन कर करके पूछते हैं कि सर आप कुछ पता चला, आपने कैमरे वगैरह चेक किए? वो कहते हैं हाँ ठीक है, हम बताते हैं बताते हैं, लेकिन कभी वो हमारा फ़ोन नहीं उठाते और हमेशा झूठ बोलते हैं कि मैं आज इन लड़कों को बुला रहा हूँ। मेरे लड़के के साथ कुछ दोस्त हैं उसके, जिनका मैंने उनको नाम लिखवाया है, एक है राजा वसीम, एक है लाला और एक है सोनू, सोनू नाम का लड़का और एक टिंकू नाम का लड़का है। मैम अभी आप राजा वसीम के बारे में जब बता रहे थे तो राजा वसीम इनके पुराने मित्र हैं, लगभग 3-4 साल पहले से इनकी दोस्ती हुई है। उस दिन 11 तारीख की रात, 11 जून की रात, ये राजा वसीम के साथ काम के बाद उनके साथ गए थे। जी जी। आपको पुलिस ने किसी तरीके के सीसीटीवी फुटेज दिखाई कि नहीं दिखाई? नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई, बोला कुछ मिला ही नहीं है। बल्कि मैंने उनको एक सीसीटीवी फुटेज मैंने दी है पुलिस वालों को ढूंढ करके। मैंने वो सीसीटीवी फुटेज अभी आपके पास है? पास है, ठीक है, मेरे पास है। सीसीटीवी फुटेज में क्या है एक बार जरा बताइए। उसमें राजा वसीम और मेरा बेटा दोनों है एक घर के सामने, वो शायद कुछ सामान ले रहे हैं कि क्या, किसी को बुला रहे, ये मुझे नहीं पता। तो कभी परिवार में किसी तरीके की रंजिश को कोई झगड़े विवाद या कहा सुनी बहस कभी हुई है? देखिए छोटी मोटी बात है तो हम आपस में होती है बच्चों में कि तुम ये गलती कर रहे हो, मारूंगी, ये करूंगी, या तू ऐसे मत कर, ये तो मैं माँ हूँ, मेरा हक बनता है बोलने का। लेकिन कोई बड़ी लड़ाई ना मेरी बहू के साथ, ना मेरे साथ, ना मेरे बेटे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग बहुत राजी खुशी रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, पड़ोसी से भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। नमस्ते मैम। नमस्ते। आप अपना नाम बताइए पहले। पूनम राय। पूनम जी। तो पूनम जी एक बात बताइए, आपके जो पति है अभिमन्यु, जो ये किस प्रकार के व्यक्ति थे? वो बहुत ही अच्छे थे, कभी मेरे से लड़ाई झगड़ा भी आया, वैसे तो झगड़ा करते थे पर ऐसे थोड़ी कि जैसे घर से चले जाएंगे, झगड़ा होता था मानती हूँ एक घंटा दो घंटा, सुबह किए झगड़ा तो शाम को सुलझ जाता, शाम को किए तो सुबह सुलझ जाता, ऐसे होता था। पर ऐसे कभी नहीं हुआ कि ऐसे घर से इतने दिन तक लापता रहे, ना कभी फ़ोन किया, ना कभी ऐसे फ़ोन बंद हुआ। अगर फ़ोन बंद होता था तो किसी और से फ़ोन कर लेते थे घर पे कि हाँ पुनः मेरा फ़ोन बंद हो गया है, कि मैं दूसरे के फ़ोन से फ़ोन कर रहा हूँ, इतने बजे तक आऊँगा। लेकिन उस दिन से ना कोई फ़ोन आया ना कुछ नहीं। देखिए परिवार में अक्सर आपस में छोटी छोटी नोक झोंक होती रहती है, पति पत्नी में होती है, मगर कभी भी झगड़े इतनी दूर तक नहीं पहुंचे कि घर छोड़ने की बात आ जाए या फिर घर से चले जाने की। हमारी शादी को भी 7 महीने ही हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिर एक बार बताइए कि इससे पहले कभी आपको ज़्यादा खैर पता होगा कि उनके दोस्तों से उनके किस तरीके के रिश्ते थे, कभी किसी दोस्त से आप अपने कभी फ़ोन पे सुना हो कि दोस्त से बहस हो रही हो, बातचीत हो रही हो, लड़ाई हो रही हो, गाली गलौज हो रही हो, कभी कुछ ऐसा? नहीं कभी नहीं, वैसे तो मेरे सामने तो कभी कभार दोस्तों में तो चलता ही है ना कि हाँ भी कहाँ है, आ जाए, वो तो चले जाते, फ़ोन आता था तो चले जाते थे कि हाँ दोस्त मैं आ रहा हूँ, अभी घर पर हूँ, अभी आ रहा हूँ। काम पर सुबह 5 बजे जाते तो दोपहर को ऐसे 10 बजे के लगभग आ जाते थे, 11 बजे 12 बजे। कभी कभी दूर का चक्कर होता तो शाम को आते, जैसे कि उस दिन झज्जर का चक्कर था शाम को, तो शाम को आए थे, दूर का था ना तो इसलिए शाम को, पर घर नहीं आए वो, वहीं उधर ही रह गए। तो जैसे पहले आते थे तो चले जाते थे दोस्तों के पास, ऐसे बुला लेते थे। रोज ऐसे कितने बजे निकलते थे और कितने बजे घर आते थे? शाम को जाते थे, जैसे कि शाम को जाते थे 6 बजे, शाम को 6 बजे घर से निकलते थे। हाँ, खेलने कूदने के लिए इधर, हाँ दोस्तों के साथ, हंसी मजाक बातें शाते करने के लिए, वो भी गली में ही आसपास, हाँ ये स्टेशन वगैरह के पास, और फिर 9 बजे लगभग आ जाते थे घर पर। जब उनकी माँ थाने में कंप्लेन लिखाने गए थे उनके साथ, आप भी गई थी? हाँ जी। आप थोड़ा विस्तार में बताइए कि वहाँ पे जब आप थाने में कंप्लेन करने गई तो क्या क्या हुआ वहाँ पर? क्या पहले तो हम लोग, जब हमें पता चला उनके कि नहीं पता नहीं चल रहा उनका कुछ भी, 12 तारीख को हम गए तो उन्होंने पहले हमें कंझावला भेजा, वहाँ से फिर शाम को बोल रहे कि यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि वो उस पार बैठे थे तो वहीं होगा मुंडका में। तो फिर मुंडका में ऐसे करते करते शाम को ऐसे दर्ज किया जैसे कि मम्मी ने बताया, शाम के 7 बजे। फिर उसके बाद वो कार्रवाई बोल रहे कर रहे हैं। राजा वसीम को बुलाया था, हमने वीडियो दी उनको कि ये देखिए साथ में है ये लड़का हमारे पति के साथ, तो इनको पकड़िए जहाँ भी है। तो राजा वसीम ने पहले तो 3 दिन तक ये बोल रहा था कि मैं जयपुर में हूँ, तो बोल रहा आएगा जब तो हम बात करेंगे। तो मतलब कि 11 जून के बाद 12 जून को जब आप घटना लिखाने गए, इस घटने की खबर देने गए पुलिस को, तो राजा वसीम का कहना था कि 3 दिन तक वो जयपुर में है, मतलब वो यहाँ पे नहीं थे दिल्ली में। कंझावले वाले में ने बात किया था उधर पुलिस वाले ने, कंझावले की पुलिस ने, तो वो बोल रहा है कि मैं शाम को आऊंगा। फिर उसके बाद 12 तारीख को शाम की, तो यहाँ पर जब पुलिस वाले ने कौन से थाने में, मुंडका थाने में,
फिर वहाँ पर जब लिखाई तो सुबह के बाद ना शुरू करा उन्होंने कारोबार, जो जो भी किया तो उन्होंने फिर से फ़ोन फान करने शुरू कर दिए उन राजा वसीम सबको। तो राजा वसीम एक ही बात बार बार बोले जा रहा है कि मैं तो इतने बजे तक साथ था, उसके बाद मैं चला गया। वहाँ पर कोई तीसरा आदमी आया था, कोई लड़का भी छोटी सी कद का था, वो थोड़ा काले रंग का था, हल्की मूछे वाला वो, और बता रहा है कि मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाया, अंधेरे में इतना देख पाया लेकिन आगे नहीं देख पाया, वो ऐसे बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। क्या कहते हैं, वो पुलिस वाले ने पूछा तो बस पूछ के उसके बाद छोड़ दिया, बोल रहा है ये तो ऐसे बता रहा है तो अब हम इसको कैसे, हम बोले सख्ती से बात करेंगे तब तो वो बताएंगे क्या बात है नहीं बात, तो बोल रहे हम मार पीट नहीं सकते वरना हम पर ही केस हो जाएगा, ऐसे बोल रहे पुलिस वाले ने कहा। हाँ, हम मार जो नहीं सकते। जो हमारा आयु है। ठीक है, हमने माँ से बात की, उनकी पत्नी से बात की अभिमन्यु जी के, जो कि ये 12 तारीख से लेकर अभी तक लगभग 20 22 24 दिन हो चुके हैं, ये इतने परेशान हैं क्योंकि इन इनके जो घर पे व्यक्ति हैं जो कमा कर लाते हैं, जो प्रतिदिन घर समय पर आते थे, मगर अब वो अभी तक घर पर नहीं आया। आइए हम उनके पड़ोसियों से बात करते हैं कि वो किस मिजाज के व्यक्ति थे और इससे पहले कभी घर के आसपास भी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हुई है कि नहीं हुई। नमस्ते सर। नमस्ते जी। नाम बताइए पहले अपना। राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र शर्मा, आप कहाँ रहते हैं? मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ, ये पड़ोसी इनका। आप पड़ोसी है। हाँ जी जी सर, बताइए ये जो घटना हुई है, दो दो महिलाएं हैं और इतनी समय से परेशान है, इस पर पड़ोसी किस तरीके से इनकी मदद कर रहे हैं? देखो, जिसका जिससे जितना बन रहा है उतनी कर रहे हैं। जी हम तो पड़ोसी हैं, इनको ले लेके सब जगह होके आ गए, लेकिन मेन मकसद ये है, हम ये चाहते हैं कि इनका बच्चा जल्द से जल्द मिल जाए, और 20 22 दिन 24 दिन हो चुके हैं, पुलिस कोई इनकी मदद नहीं करी है बिल्कुल भी। ये पुलिस के पास जाते हैं, हमारे को एक नंबर दिया गया मुंडका SHO का, ना तो वो फ़ोन उठा रहे हैं, ना DCP फ़ोन उठा रहे हैं, ना वहाँ पे कोई, कौन है वो PRO है, कौन है अंकल, वो लेडीज़ हैं जो, ना वो फ़ोन उठा रही है, यानी कि इनकी कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हार थक के फिर हमने आपको फ़ोन किया है, हम ये चाहते हैं आप इनकी समस्या का हल कर दीजिए, बस इनका बेटा इनसे मिल जाए। एक बेटा ये कमाने वाला, और हस्बैंड इनके है नहीं है, और दो भाई थे ये, और एक इनकी बेटी है, तीन बच्चे हैं। देखिए, इस घर में कमाने वाले एक ही व्यक्ति थे, अभिमन्यु जी, जो कि अब और कोई वो नहीं भी कमाने काफ़ी वाला। दिनों से लापता है, और कोई कमाने वाला नहीं। ऐसे में दो महिलाओं का घर चलना काफ़ी मुश्किल लग रहा है और ये परेशान है। मैं दर्शकों से दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको, हम सारी डिटेल्स नीचे दे देंगे फ़ोटो के साथ सब कुछ, कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपको जब भी ऐसी कोई खबर मिलती है या फिर इनके बारे में कुछ पता चलता है, आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए और इस परिवार की मदद कीजिए। जी सर, आप बताइए आप नमस्कार जी। कौन हैं और कहाँ रहते हैं? एक्चुअली मैं पिछली गली में रहता हूँ, तो इनके थ्रू आया, इन्हें पता लगा, घूम रहे थे स्ट्रीट पे अपने बच्चे के लिए, तो उधर भी गए थे अपना मुंडका में, उधर पीछे जहाँ बन रहा है, तो वहाँ पे देखा तो कोई कह रहा है, यहाँ किसी को दबा नहीं दिया, वहाँ पे इनके साथ गए, देखते रहे, फिर परेशान थे काफ़ी, तो हम जो है DCP राजा गार्डन बताया, वहाँ के ले गए इनको साथ में, DCP राजा गार्डन वेस्ट दिल्ली में, तो उन्होंने बताया मैडम ने कि यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं, आप आउटर दिल्ली जाइए पीतम विहार, तो वहाँ के पीतम विहार में आउटर दिल्ली DCP के पास में, तो उन्होंने मिलने दिए, हम 7-8 आदमी थे, उन्होंने कहा बाहर रहिए आप, सिर्फ 2 आदमी जाइए, फिर PRO से, PRO की बात ही, PRO ने सबको नोट कर लिया, SHO को फ़ोन किया उन्होंने, SHO साहब ने इनको कहा आप आ जाइए, लेकिन SHO साहब ने कहा हम देखिए कर रहे हैं कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे, ना हम किसी को मार पीट सकते ना कुछ कर सकते हैं, आप घर जाइए जैसे होगा हम बता देंगे आपको। तो काफ़ी परेशान है बेचारी, कभी कहीं जाती है कभी कहीं धक्के खाती हैं, रोज़ इनका यही हाल है, खाना खाती नहीं है बेचारी, और जो है कभी स्टेशन में घूमती हैं, पंपलेट भी छुपवाए थे, गाड़ियों पर लगाए, ट्रेन पर लगाए, कभी कहीं कभी कहीं, अब जो जहाँ बताए थे वहाँ बेचारी चली जाती हैं, अब परेशान हो गई, बताइए क्या हम लोग क्या कर सकते हैं। इनकी मेल भी की हुई है DCP को, ACP को, ठीक है, SHO को, और LG साहब को भी मेल भी करा रखी है, ताकि उनका भी कोई अभी तक जवाब नहीं आया है, और अभी SHO साहब की तरफ से भी ठीक है, हम देख रहे हैं, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम जाइए। 12 तारीख को ये कंप्लेन उन्होंने दर्ज की है, इसके बाद 13 तारीख को, इसके बाद आप लोग कितनी बार इनके साथ गए हैं पुलिस थाने में? ऐसा जब भी मौका मिल जी जब भी मौका मिलता है तो उनके साथ हम चले जाते हैं, बुला लेते हैं, हम इनकी थोड़ी बहुत देखते हैं, जितनी हेल्प हो सकती है उतनी कर देते हैं, हम भी क्या कर सकते हैं बताइए। मैम एक बात बताइए कि जो ये इनके मित्र हैं, मित्र का नाम क्या बनाया था आपने? राजा वसीम। एक राजा वसीम है, एक लाला है, और एक सोनू नाम का लड़का है, जिसके लिए हमारे IO ने बोला था कल फोन करके कि उसका सोनू के घर दिखा दो, उसका घर कौन सा, उसके पापा का, उसका माँ का नाम पूछेंगे तो उसकी ढूंढने में आसानी होगी, लेकिन वो कल से बोलते बोलते अभी तक हमारे IO का पता नहीं है, वो झूठ इतना बोलता है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है IO। हाँ जी।
कोई भी बात वो कभी सच नहीं बोलता, हमेशा झूठ बोलता। मैम ये राजा वसीम को जो पुलिस कर्मचारियों ने कभी इनसे पूछताछ की कि नहीं की? हाँ जी बुलाया। राजा वसीम का क्या कहना है एक बार ये बताइए। राजा वसीम बोलता है कि मेरे साथ वो 7-8 बजे से लेकर के वो 12-12:30 बजे मतलब 1 बजे तक मेरे साथ था। उसके बाद मेरी गाड़ी खाली हो गई, मैं अपनी गाड़ी लेके चला गया। मैंने बोला मनु तू अपने घर जा और मैं जा रहा हूँ अपने घर, तो उसका घर पास में था इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया और मैं चला गया। मुझे नहीं पता था कि वो अपने घर नहीं पहुंचेगा, नहीं तो मैं घर छोड़ देता उसको। राजा वसीम से पूछताछ के बाद ये बात सामने आई कि वो लोग किसी तरीके की अल्कोहल कंज्यूम करना चाह रहे थे या कुछ पी रहे थे जी, शराब पी रहे थे जी। तो ये जो काफ़ी समय से इनके दोस्त आए थे इनसे मिलने, फिर ये लोग मिलके शराब पिए, उसके बाद फिर राजा वसीम अपने काम को निकल गए और ये अपने काम के। हाँ ये उसका कहना ये है, लेकिन हमें नहीं पता, हम नहीं जानते कि वो कब निकला, मेरा बेटा कहाँ गया, हमें ये सब कुछ नहीं पता, ये उसका कहना है राजा वसीम का जी। हाँ तो अभिमन्यु के जो मित्र हैं राजा वसीम, ये लोग 11 तारीख की रात काफ़ी समय के बाद मिले थे, मिलने के बाद इन लोगों ने पार्टी की, शराब भी पिए, ऐसा राजा वसीम का दावा है। इसके बाद अभी सामने की जो खबर है या घटना है अभी तक सामने नहीं आ पाई है, मगर मैम हम एक बार सीसीटीवी फुटेज देखना चाहेंगे। हाँ। जो सीसीटीवी फुटेज आपके पास है, आइए हम आपको कैमरे में दिखाते हैं जो सीसीटीवी फुटेज है, इसको किस तरीके से। ये सीसीटीवी फुटेज आपको कहाँ से मिला? मेरे को यहाँ बगल 1 नंबर गली से मिली मुझे। अच्छा यहाँ पे कैमरा लगा हुआ। हाँ, कैमरा तो मतलब आपके घर के पास में ही थे? नहीं, मैं उधर पूछ, मतलब मैं 11 तारीख को पूरे में ढूंढ रही थी मैं अपने बेटे को रात को। हाँ रात को, तो रात को एक रूम वाले ने मुझे दिया, घर वाले ने, कि ये देखो मन्नू यहाँ पे आया था जी। अभी हम मुंडका थाना के आईओ को कॉल करेंगे कैमरे के सामने। मैम 20-25 दिनों से उनको कई बार कॉल कर चुकी है मगर कॉल का कोई आंसर नहीं मिलता है। अभी हम आपके सामने कैमरे पर लाइव कॉल करेंगे, एक बार हमारे कैमरा मैन दिखाइए कि हम किन को कॉल कर रहे हैं। इधर आइए थोड़ा, देखिए अभी हम सामने रॉबिन हेड कॉन्स्टेबल हैं, इनको हम कॉल कर रहे हैं, मुंडका थाना के हैं ये हेड कांस्टेबल, इनको कॉल कर रहा है। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, क्या हुआ बोलिए, आप तो कल बोल रहे थे कि मैं अभी आ रहा हूँ, आप अभी तक नहीं आए। अरे मैडम कल बारिश नहीं हुई थी और भी काम भी होते मेरे पास, कल मैं कंप्लेंट किस पे जाया हुआ था आपके, उसको पेश करने गया था। कल तो कोई भी बारिश नहीं हो रही थी, कहाँ पे बारिश हो रही थी? एकदम अपने काम के लिए पहले कोर्ट गया था, सर एक बात रॉबिन जी नमस्कार, मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ, आप एक बार 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनेंगे? हाँ सर बोलो जी। सर एक बात बताइए, ये जो महिलाएं हैं इतनी दिनों से परेशान हैं, ये केवल सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए आपको इतने दिनों से कह रही है, आपने अभी तक इनकी बात क्यों नहीं सुनी? मेरी बात सुनो सर, जो सीसीटीवी फुटेज की जो बोल रही है ना, उस समय इसका लड़का जो वसीम राजा है ना, वसीम राजा जी लड़के के मित्र, वसीम राजा जी, उस समय सर दोनों आए हुए, उस वसीम को मैं मैडम से पूछ लेने से, मैं डेली उसको बुलाता हूँ जी, वो नहीं आता होता तब तो उस पर शक्कर है, जब मैं उसके पास जब फोन करता हूँ ना सर। नहीं सर ये तो खैर बहुत स्वाभाविक बात है कि अगर कोई सबूत नहीं होगा तो आप किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे, मगर आप जगह जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं उसकी फुटेज अगर परिवार वाले देखना चाह रहे हैं, आप इनको ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं? मेरी बात तो सुनो सर, जाइनर फैक्ट्री में बैठ के इसका लड़का ये दारू पी रहे थे ना जी, उस फैक्ट्री के बाहर सीसीटीवी फुटेज है नहीं। अच्छा तो उस कैमरे उस फैक्ट्री के बाहर कैमरे नहीं लगे हुए हैं? बिल्कुल, रेलवे पर बैठे थे इसका लड़का और दो बंदे, एक बंदा और था वो सीन जी, उन्होंने दारू पी थी। वहाँ फैक्ट्री के बाहर इनके इनके जो देवर है ना, इसका छोटा भाई अभिमन्यु का, उसको लेके गया था मैं फैक्ट्री के बाहर, उस रोड पर कहीं भी कैमरे नहीं है सर, आप कहते हो तो मेरे साथ चल के आप भी चेक कर सकते हो सर, उस रोड पर जाइन और दारू फी है ना सर, उस रोड पर कहीं भी कैमरे नहीं है सर, और उससे पहले जो कैमरे बता रहे हैं ना सर, सर कल आप परिवार वालों को कह रहे थे कि मोटरसाइकिल पर बैठे बैठ के कहीं जा रहे थे वो लोग? मैं क्या कह रहा था सर, मोटरसाइकिल की नहीं पाया, हमें ये क्या पता कोई मोटरसाइकिल पे वहां से गए हैं, लास्ट मैंने CDR भी मंगवा के देख ली, सकती थी बात बुला भी लिया था सर, वो कर लिया था कैमरे में, वो कहीं आ नहीं रहा था, इन्होंने फैक्ट्री के बाहर बोला था
जी मेरा आज मेरा लड़का है जो अकेला फैक्ट्री में काम करने जाता नहीं रहा, फैक्ट्री का जो सुपरवाइजर है गेट पे काम करता है, जो एंट्री करता है कुलदीप, उससे मेरी बात हुई थी, उसको इनके सामने इसकी मम्मी के सामने बुलाए भी था, जिन्होंने नाम लिया सर मैंने वो सारे बुलाए थे, अरे ये बोली थी वसीम को दोबारा बोला माँ वसीम अभी तो सोनू नाम का जो लड़का है, हेलो सुनो, सोनू नाम का जो लड़का है, आप उसके माँ बाप से मिलने के लिए उसका घर देखने के लिए आप आ रहे थे ना, तो आए क्यों नहीं? अरे तो आप उसके माँ बाप का नाम पता करने जा रहे थे ना, आप तो उसका घर पता कर रहे थे ना, आप पता है क्या नाम है? अच्छा जेल में तो बंद है, तो आप उसको पूछो ना, तो उसको पूछो ना आप, उससे पता करो कि ये लड़का वो कहाँ है, जेल में बंद है वो, तो आपका लड़का वो तो जेल में बंद है 15 दिन से, बताओ 15 दिन से वो जो जेल में बंद है उसके साथ तो नहीं होगा जेल में मैंने आपका आगे पता कर लिया था, इस नाम का भी मिन्नू नाम का कोई लड़का बंद है आपके सामने पता नहीं क्या, तो मैडम ये बताओ आप, उससे पहले तो वो बंद नहीं था, उससे पहले तो बाहर था वो, मेरा लड़का तो उससे पहले से गायब है ना। हाँ तो फिर उसके पहले से गायब है जो जिसके साथ था, मैंने इन पुलिस वाले का कुछ नहीं है बस की बात, ये कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसी बेकार है, हमको पागल बना रहे, झूठ झूठ बोल रहे हैं हमसे, ये इनके बस का कुछ नहीं है, आप अपा हमारा केस वापस करके दूसरे को दे दो किसी को, आपके बस की बात नहीं है, आप हमारे लड़के को नहीं ढूंढ सकते आप, अगर कोई सुनिए कोई अगर अमीर आदमी होता ना, अगर कोई अमीर आदमी होता तो आप तुरंत ढूंढ लेते हैं, हम गरीब है ना इसलिए आप हमारे पे इतना ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है? नहीं नहीं दे रहे, आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, एक आप कई दिन से मुझे झूठ बोल रहे हैं, बात तो सुन लो, वो सीम से मैं डेली फोन पे बात करूं नहीं कि ना, तो मेरा फोन चेक कर लो, मां के दिखा दूंगा। आपको मेरे दर्द का कोई एहसास नहीं है, अगर आपका बच्चा होता ना तो आपका पता चलता कि कैसे बच्चा गुम हो जाता तो कैसा लगता है, ठीक है? बस आप बात ही सुनाते रहा करो, आप कुछ नहीं सुना सकते, कुछ नहीं कह सकते आप, ठीक है मैडम, ठीक है ठीक है, ये क्या ठीक है, हैं ये बताओ, ऐसे करते हैं, ये है पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं है। हमने कैमरे के सामने मुंडका थाना के रॉबिन हेड कांस्टेबल जी से बात की, ये पूरी तस्वीरों में आपने देखा कि हमने क्या बात की, एक माँ किस तरीके से गुहार लगा रही है कि मेरे बच्चे को प्लीज़ मुझे लौटा दीजिए, मेरे बच्चे को ढूंढ के लाइए, हमारी मदद कीजिए, इस घर में कमाने वाला कोई नहीं है, उनकी एक माँ है, उनकी एक पत्नी है जो कि सिर्फ केवल 6 या 7 महीने पहले ही उनकी शादी हुई है, ऐसे में जो व्यक्ति अभिमन्यु जी लापता हैं इतने दिनों से, इनको जल्द से जल्द पुलिस ढूंढने का काम करे। दर्शकों से मेरी एक ही उम्मीद है, अगर आपको हम तस्वीरों के माध्यम से अभिमन्यु जी की सारी डिटेल्स आपको दिखाएंगे, अगर आपको कभी भी कोई भी खबर हो, किसी भी तरीके की कोई जानकारी, आप नीचे दिए गए कांटेक्ट नंबर पर कॉल करें, और जिस परिवार का जो व्यक्ति है वो इस परिवार से बिछड़ गया है, क्या पता कि वो कहीं और मौजूद हो, क्या पता कुछ भी हो सकता है उनके साथ, इसीलिए हम जल्द से जल्द, मेरी दिल्ली वासियों से उम्मीद है कि आप इस परिवार की मदद कीजिए, जितनी हो सके इसकी मदद कीजिए। हमने पुलिस वालों से भी बात की, मैम एक बात बताइए कि ये पुलिस वाले के लिए से बात कर रही हैं आप काफ़ी समय से, और ये आपकी मदद नहीं कर रहे, और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं जी, मगर आपको क्या लगता है, आप आपके मन में भी कुछ तरीके की चीज़ें आ रही होगी, कुछ और भी चीज़ें मन में आ रही होगी, बताइए सर। मेरे को तो देखिए, मेरा दिल तो ये कह रहा है कि मेरा बच्चा अपनी मर्जी से कहीं नहीं गया, या तो उसके साथ कुछ हो गया है बुरा, या तो उसको किसी ने बंद करके रखा हुआ है, चाहे जैसे भी करके रखा है, पर मेरे बेटे के साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है, लेकिन मेरा बेटा अपनी मर्जी से नहीं गया कहीं भी। अभिमन्यु जो जिस प्रकार के व्यक्ति थे, ये काफ़ी शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, हमने पड़ोसियों से, इनकी पत्नी से, इनकी माँ से बात की, ये कभी भी किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करते थे, केवल समय पर घर से काम पर जाते थे, काम से घर पर लौटते थे, ऐसे में जो इनके साथ ये हादसा हुआ है, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है, हम उम्मीद करते हैं इस परिवार की जल्द से जल्द मदद हो पाए। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, मैं शमी रंजन, कैमरामैन नरेश के साथ, धन्यवाद।